tell you my before dark. And Mel, remember where you go. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। और आज मैं आपके लिए एक और स्लैशर हॉरर मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द 40 फार्म। और ये मूवी हर बार की ही तरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉरर लैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी से छुप रहे होते हैं। और लड़की बहुत ही डरी हुई थी और तो और वो कंटिन्यू रो रही थी। वो लड़का उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वो लड़का बाहर झांकने की कोशिश करता है पर तभी कोई एक तलवार उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और वो उसकी बॉडी को बाहर खींच लेता है। ये देखकर लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है और तभी उसकी तरफ कोई उस लड़के का कटा हुआ सर फेंकता है और वो लड़की वहां से भागने लगती है। लेकिन वो किलर उसके भी पेट में वो तलवार घुसा कर उसकी जान ले लेता है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम तीन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक कपल था जिनका नाम नताशा और जेसन होता है और उनके साथ में उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम मिक था। उसके बाद में वो तीनों कहीं पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन मिक उन्हें कहता है कि इस बार हमें कुछ एडवेंचरस करना चाहिए और किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाना चाहिए। जेसन और नताशा उसे एग्री कर देते हैं और फिर मिक उन्हें बताता है कि मैं एक हॉन्टेड प्लेस को जानता हूँ और उस प्लेस का नाम 40 फार्म है। हम लोगों को वहाँ पर कैंपिंग के लिए जाना चाहिए क्योंकि वो जगह अब पूरी खाली है। फिर वो वहाँ की स्टोरी बताने लगता है कि वहाँ पर पहले एक फैमिली रहा करती थी जिन्होंने टाउन के लोगों को मार डाला क्योंकि वो लोग कैनिबल्स थे। जेसन को उसकी बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है। वो नताशा को उसकी फ्रेंड कॉल करके उनके साथ में चलने के लिए पूछने को कहता है लेकिन वो मिक को किसी को भी उस जगह के बारे में बताने के लिए मना कर देता है। फिर नताशा उसके फ्रेंड को कॉल करके उनके साथ जाने के लिए उससे पूछती है जिसका नाम मेलिनी था। वो उनके साथ में जाने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन नताशा के पूछने पर भी वो उसे नहीं बताता है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद में मेलिनी भी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग कुछ बात करने लगते हैं और मिक उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है और फिर थोड़े समय में वे लोग वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर अब उन्हें ट्रेवल करते करते 5 घंटे हो जाते हैं और नताशा थोड़ी देर उन्हें कहीं पर रुकने के लिए कहती है। तभी रास्ते में उन्हें एक बार दिखाई देता है और वे लोग वहाँ पर कुछ देर का स्टॉप लेते हैं। फिर मिक वहाँ पर सबसे 40 फार्म के बारे में पूछता है लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता है और मिक एक बुढ़े आदमी से 40 फार्म के बारे में पूछता है लेकिन वो बुढ़ा आदमी उस पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ पर जाने के लिए मना करता है और उसे बताता है कि वो और उसके फ्रेंड्स सालों पहले उस जगह पर गए थे जो कि बहुत ही खतरनाक है और बेहतर ये होगा कि तुम भी वहाँ पर ना जाओ और यहाँ से वापस ही चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। निक उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है और जेसन उसे और बाकी सभी को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है और तभी उस बड़े आदमी के साथ वाला व्यक्ति उनके पीछे आकर उन्हें आवाज लगाता है और बताता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जो भी वहाँ पर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है और इसीलिए तुम्हें भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन निक उसकी एक भी बात को नहीं सुनता है और उसे बुरा भला कहकर उसे लड़ाई करने लगता है और तभी वो आदमी गुस्से में आकर उसे 40 फार्म का पता बता देता है और उस बार में बैठे हुए लोग उन्हें देखने लगते हैं। फिर उनके वहां से निकलने के कुछ समय के बाद रात हो जाती है और इसीलिए वे लोग रास्ते में रुककर कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं और फिर निक उन्हें एक स्टोरी सुनाने लगता है जो कि उसने बचपन में 40 फार्म के बारे में सुनी थी। वो कहता है कि पहले वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम जॉन विल्सन था और वो अपनी वाइफ के साथ में रहा करता था और उनका एक बेटा भी था और उस बेटे का नाम था चार्ली। वो बेटा 13 साल का था और वे लोग कैनिबल थे जो कि उनके फार्म में काम करने वाले लोगों को और बैकपैकर्स को मारकर खा जाया करते थे और बची हुई लाश को घर में ही कहीं छुपा दिया करते थे। अब अगले सीन में हम लोग जॉन विल्सन का घर देखते हैं जहाँ पर हम एक लड़की को बेड पर बंधा हुआ देखते हैं और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। उसके पास में ही चार्ली खेल रहा होता है और उसे देखकर हंस रहा था। जॉन और उसकी वाइफ ने उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को पहले मार दिया था और टाउन के लोगों को जब उनकी हरकतों के बारे में पता चलता है तो वे लोग हथियार लेकर उनके घर पर पहुंचते हैं और घर पर पहुंचते ही जॉन उनसे बहस करने लगता है। वो तभी कोई गन चलाकर जॉन का सर उड़ा देता है और जॉन की वाइफ चार्ली को वहां से लेकर भाग जाती है। फिर मिक ये भी कहता है कि उसके बाद से ही चार्ली गायब हो गया और आज तक किसी को भी वो नहीं दिखा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो मर गया लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और लोगों को मार रहा है। अब नताशा डर के मारे ये कहती है कि हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए लेकिन जेसन उसकी नहीं सुनता है
और मेलेनी को यह सब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो कहती है कि हम वहाँ पर जाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम वहाँ से जल्दी वापस निकल जाएंगे। अब अगले दिन वे लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ का जाने का रास्ता नहीं पता था। और तब जेसन और नताशा टोनी को कॉल करके 40 फार्म का रास्ता पता करने के लिए कहते हैं। टोनी एक बॉक्सिंग चैंपियन था और उन्हें उस जगह जाने से मना करता है, लेकिन जेसन उसे कहता है कि हम वहाँ से थोड़ा टाइम रुककर वापस आ जाएंगे। और फिर टोनी उन्हें वहाँ का रास्ता बता देता है। उसके बाद में वे लोग 40 फार्म के गेट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनसे वहाँ का गेट नहीं खुलता है। तो वे लोग अपनी जीप वहीं पर छोड़कर पैदल ही आगे चल देते हैं। फिर काफ़ी दूर चलने के बाद में उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पर जॉन की फैमिली रहा करती थी। और फिर अंदर जाने के बाद वो उनका घर देखने लगते हैं। फिर एक रूम में वो उस बेड को देखते हैं जहाँ पर उस लड़की को बांध कर रखा गया था, और हर जगह पर उस लड़की का सूखा हुआ ब्लड होता है, जिसे देखकर नताशा को बहुत ही अजीब लगता है। फिर मेलेनी को वहाँ पर एक टेडी बेयर मिलता है और वो उसे अपने बैग में रख लेती है, और अपने बैग से एक मार्कर निकालकर वॉल पर एक नोट लिखती है, और साथ ही उन चारों का नाम भी लिखती है। अब निक उन सभी को बताता है कि जॉन विल्सन के मरने के बाद टाउन वाले उनके घर में आते हैं और उन्हें वहाँ पर गंदी से स्मेल आ रही होती है, और उस बेड पर उस लड़की की लाश बंधी थी जिसे कुछ ही देर पहले जॉन और उसकी वाइफ ने बेरहमी से मार दिया था। वहाँ पर उन्हें और भी कई लाशें मिलती है जो कि सड़ चुकी थी। और उसके बाद में कुछ लोग जॉन की वाइफ और चार्ली को पकड़ने जाते हैं, तो चार्ली की माँ उसे एक जगह पर छुपा देती है और खुद उन लोगों के सामने आ जाती है। वे लोग चार्ली की माँ को भूत मारकर उससे पूछते हैं कि क्या उसने और भी किसी को छुपा रखा है, और वे चार्ली के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। चार्ली का फेस बहुत ही ज़्यादा डरावना था और पूरे समय अपनी माँ की पिटाई देखता रहता है, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता है, और वे लोग उसकी माँ को पीट पीट कर मार डालते हैं। फिर ये सब सुनकर मेलेनी और नताशा को डर लगने लगता है, और मेक उनका डर भगाने के लिए उन्हें जोक्स सुनाने लगता है। और फिर रात हो जाती है और सभी सोने लगते हैं। मेलेनी ने अभी भी चार्ली का टेडी बियर अपने पास में रखा हुआ था, और रात में अचानक मेलेनी की नींद खुल जाती है और उसे सामने दरवाजे के पास में एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो नींद में ही होती है तो उस पर ध्यान नहीं देती है और सो जाती है। फिर अगली सुबह वो सभी सोकर उठते हैं और उन्हें बाहर उनकी तरफ आते हुए दो बैकपैकर्स दिखाई देते हैं, और उन दोनों के नाम गॉर्डन और एलिसा थे। वे लोग बताते हैं कि उन्हें कुछ दिन पहले कुछ बैकपैकर्स ने यहाँ के बारे में बताया था जो कि इस तरफ आ रहे थे। वे लोग आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं और मिलकर नाश्ता भी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेलेनी को वो टेडी बियर नहीं मिल रहा था, तो नताशा जेसन और मिक से पूछती है कि कहीं ये तुम्हारी शरारत तो नहीं है, पर वे उससे बताते हैं कि वो टेडी बियर उन्होंने नहीं लिया है। और मेलेनी उन्हें बताती है कि कल रात उसने किसी को गेट पर खड़ा हुआ देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। फिर अब वे लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, और मिक और मेलेनी को एक साथ टाइम स्पेंड करना था तो वे लोग अकेले दूसरी ओर चले जाते हैं। दोनों को घूमते घूमते एक गड्ढा मिलता है जो कि झाड़ियों से ढका होता है, जहाँ से बहुत सी गंदी स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ उन चारों को खराब गाड़ियाँ दिखाई देती है, और उसके बाद में वे दोनों कपल अकेले अकेले घूमने निकल जाते हैं। अब निक और मेलेनी को एक तालाब दिखाई देता है, और मिक उस तालाब में नहाने के लिए चला जाता है, और मेलेनी को भी वो अंदर बुला लेता है। इसके बाद में हम गॉर्डन और एलिसा को देखते हैं जो कि एक पुराने घर के बाहर होते हैं, जहाँ पर गॉर्डन को एक एक्स दिखाई देती है जिससे कि वो खेलने लगता है, लेकिन एलिसा उसे उस एक्स को वापस उसकी जगह पर रखने के लिए कहती है। अब ये दोनों अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर इन्हें एक बेड दिखाई देता है, और वहाँ पर कई सारी पुरानी चीज़ भी होती है जिसे देखकर एलिसा कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई रहता है, और सभी को ये बताना चाहिए कि यहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये दोनों उस जगह से बाहर आने लगते हैं, तभी चार्ली गॉर्डन के चेस्ट में वही एक्स घुसाकर उसे मार देता है, और ये देखकर एलिसा डर जाती है और अंदर से गेट लगा देती है, और वो अंदर ही कहीं पर जाकर छुप जाती है। और तभी चार्ली गेट तोड़कर अंदर आ जाता है, और अंदर आकर उसे वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन एलिसा उसे कहीं नहीं मिलती है। पर तभी एलिसा से आवाज़ हो जाती है जिससे कि चार्ली समझ जाता है कि वो उस कंटेनर में छुपी हुई होती है, और तभी चार्ली उसे पकड़कर ट्रक पर जोर से उसका सर दे मारता है जिससे कि एलिसा बेहोश हो जाती है, और उसके बाद में वो उसे उठाकर ट्रक के सामने लाता है और ट्रक का टायर उसके सर पर चढ़ा देता है, लेकिन उससे भी एलिसा नहीं मरती है। तो चार्ली उस ट्रक पर चढ़कर जोर जोर से कूदता है जिससे कि एलिसा का सर फट जाता है, और वो वहीं पर मारी जाती है, और ये देखकर चार्ली को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इधर दूसरी तरफ मेलेनी और निक
तालाब में नहा रहे होते हैं और तभी चार्ली उनके पास में आ जाता है, जिससे कि मेलिन देख लेती है। मिक उसे देखकर बिना कपड़ों के ही उसके सामने आ जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली उसे देखकर हंसने लगता है और मेलिन मिक को उससे थोड़ा दूर रहने के लिए बोलती है। लेकिन तभी चार्ली तलवार से मिक के प्राइवेट पार्ट को काट कर वो उसके मुंह में डाल देता है और दर्द से मिक की मौत हो जाती है। और तभी हम पहली बार चार्ली का भयानक चेहरा क्लियर देख पाते हैं और ये देखकर मेलिनी वहां से भागने लगती है और चार्ली उसके पीछे भागने लगता है। वो मेलिनी को पकड़कर जमीन पर जोर से पटक देता है और वो मेलिनी के मुंह में उंगलियां डालकर उसके मुंह को चीर देता है, जिससे कि मेलिनी मर जाती है। अब अगले सीन में हम लोग टोनी को देखते हैं, जिसे उनकी फिक्र हो रही थी और इसीलिए वो भी चार्ली फार्म पर आ गया था। और दूसरी तरफ नताशा और जैसन एक दूसरे पुराने घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नताशा अंदर नहीं जाती है। और थोड़ी देर के बाद में जब जैसन बाहर नहीं आता है तो नताशा उसे ढूंढते हुए अंदर चली जाती है। जैसन एक जगह पर छुपा होता है और नताशा को बताता है कि उसने एक अजीब से आदमी को देखा है, जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार भी थी और वह हमें मार देना चाहता है। तभी चार्ली भी वहां पर आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। नताशा भी उसे देखकर बहुत डर जाती है और वे दोनों वहां से भागते हैं और एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी वहां पर टोनी आ जाता है और चार्ली को जैसन समझकर उससे नताशा के बारे में पूछता है और तब चार्ली तलवार के साथ में उसका सामने आता है और टोनी उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली चिल्लाते हुए अपनी तलवार को उस दीवार की तरफ फेंक देता है और दोनों के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई होती है। टोनी के किसी भी वार का उस पर कोई भी असर नहीं होता है और चार्ली टोनी के गले का मांस फाड़ने लगता है और तभी जैसन पीछे से आकर उस पर वार करता है, लेकिन तब तक चार्ली टोनी का गला चीरकर उसे मार चुका था और अब जैसन अकेला ही चार्ली के सामने था। तो चार्ली उसे पीछे से पकड़कर एक चाकू से उसका गला काट देता है, जिससे कि अब नताशा कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर नताशा वहां से भागने लगती है और चार्ली उसके पीछे आता है। नताशा उससे बचने के लिए एक कार में बैठ जाती है और तब चार्ली कार के ग्लास को तोड़ने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और नताशा को होश आता है तो वो एक लकड़ी से बने केज में बंद होती है, जिससे कि नताशा तोड़कर उसे बाहर आती है और आगे चलते हुए उसे बहुत सारी सड़ी गली लाशें मिलती है और उसका टेडी बेयर भी वहीं पर था और ये शायद वही गड्ढा था जिसे मेक और मेलिनी ने देखा था। फिर नताशा को वहां से निकलने के लिए एक सीढ़ी मिलती है जिस पर वो चढ़ने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर चार्ली आ जाता है, जिससे कि छुपकर नताशा एक कोने में जाकर बैठ जाती है। चार्ली उसे नहीं देख पाता है और तभी नताशा सीढ़ी से चढ़कर ऊपर चली जाती है और उसे ऊपर वही रेस्टोरेंट वाला बूढ़ा आदमी गन के साथ में मिलता है, जो कि उसे वहां से निकलने में हेल्प करने लगता है। तभी वहां पर चार्ली आ जाता है और तलवार फेंक कर उसे मार देता है, जिससे कि वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। फिर नताशा वहां से गन उठाकर चार्ली को मारती है, जिससे कि चार्ली बेहोश हो जाता है और नताशा गन फेंक कर चार्ली को गले देती हुई पास ही खड़े ट्रक के पास में चली जाती है, लेकिन उसका डोर लॉक था और चाबी सीट पर रखी होती है। नताशा ट्रक की विंडो से हाथ डालकर चाबी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से चार्ली आ जाता है और उसकी गन को नताशा के पेट में घुसाकर आर पार कर देता है और वापस गन को बाहर निकाल लेता है और नताशा उससे मारी जाती है। और इसके बाद में चार्ली नताशा की लाश को उठाकर वहां से ले जाता है और ये मूवी इसी के साथ में यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, हमने इस मूवी में ये देखा कि कैसे चारों दोस्त चार्ली फार्म नाम की जगह पर बस एडवेंचर करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ की हिस्ट्री नहीं पता थी। दरअसल वहाँ पर एक कपल रहा करता था जो कि कैनिबल था और वहाँ से निकलने वाले लोगों को वो मारकर खाया करते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था और जब गांव वालों को उनकी इन हरकतों के बारे में पता चला तो उन्होंने मिलकर उन्हें मारने का फैसला किया। गांव वालों ने मिलकर चार्ली के पिता और चार्ली की माँ को तो मार दिया, लेकिन चार्ली की माँ ने चार्ली को छुपा दिया था। 40 सालों तक अपने घर में छुपा रहा और कैनिबल होने की वजह से वो बहुत ही खतरनाक बन चुका था और अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता गया था। उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता था और ना ही उसके अंदर कोई फीलिंग थी। चार्ली भी वहां से निकलने वाले लोगों को मार दिया करता था और इसी तरह उसने मेलिनी और उसके सभी दोस्तों को भी मार डाला। तो दोस्तों, आप सभी ने देख लिया होगा कि किसी जगह की हिस्ट्री जाने बिना वहां पर जाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर जगह फैली गई अफवाह बस अफवाह ही हो, कहीं पर हकीकत भी हो सकती है, जिसका नतीजा आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं कि कभी आपको हॉन्टेड प्लेस पर जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे या नहीं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जल्दी ही मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।